हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से उन्होंने निकाली हुई तो है तो देखते हैं हम नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने दिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जो कि कुरुक्षेत कुरुक्षेत एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन uh, निकाला हुआ है जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट uh, नोटिस देख लेते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन वाइट ऑफ लाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सेवेंटी सेवन असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट एंड फाइव असिस्टेंट प्रोफेसर एस एफ एस यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट भी है सब्जेक्ट ऑफ लॉ फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई है अलग से पांच सीट और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अवेलेबल हो जाएंगे आपका सेवन फैब से वहीं पर डेट्स देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? ऑनलाइन की जो सबमिशन की ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो रही है वो सेवन फैब से स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग डेट है आपका ट्वेंटी एट फैब वहीं पर अगर हम आगे चलें तो वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं देखिए हम सिर्फ हमें सिर्फ लॉ से मतलब है तो हम सीधे लॉ पे चलते हैं सेवेंटी टोटल सेवेंटी सेवन वैकेंसीज हैं जिसमें कि यहाँ पर ये लॉ की वैकेंसी आपकी एक एस की है दो जनरल की हैं और दो आपकी ई की हैं और वहीं पर लॉ की ही अगर हम बात करें तो जैसे कि उन्होंने ऊपर बोला था कि जो एस एफ सी सैर फाइव वो फाइव टीचिंग पोस्ट के लिए उन्होंने सीट uh, अलग से सेल्फ फाइनेंस सीट अलग से निकाली हुई हैं जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी के uh, और जो इंस्ट्रक्शन है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निकाली हैं पे स्केल इसमें यहाँ पे सब लिखा हुआ है और ये वैकेंसी आपकी पांच वैकेंसी हैं और आपकी इसमें से दो जर्नल की हैं एक आपकी बी सी ए हैं यानी कि बैकवर्ड क्लासेस ए ग्रेड की जो हरियाणा की हैं बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा ठीक है जो एक कैटेगरी की है और एस सी के लिए एक सीट है और एक सीट आपकी ई डब्ल्यू एस के लिए है नंबर ऑफ पोस्ट एडवाइट जो एडवर्टाइजमेंट की है में इंक्रीज और डिक्रीज घटना बढ़ सकती हैं, वो सीधे से बता रहे हैं इस बारे में एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं क्या फी है एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 2000 है और फीमेल कैटेगरी के लिए जो हरियाणा की है ओनली हरियाणा की जो है केवल यहाँ पे वर्ड ओनली लिखा हुआ है ओनली हरियाणा स्टेट की जो फीमेल है उनके लिए एक हजार रुपए की जो है फी है और वहीं पर एस सी बी सी ए जो भी अभी मैंने बताया बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा ए कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा बी कैटेगरी ई डब्ल्यू एस जो है उन वो भी केवल सिर्फ हरियाणा के ठीक है उन्हें उनकी जो है वो है 500, हंड्रेड सौ रुपए है वहीं अगर हम देखें तो फी वंस डिपॉजिट व ट्रांसफरेबल और ना ही ट्रांसफरेबल होगी ना रिफंडेबल होगी अगर एक बार आपने फी डिपॉजिट कर ली और जो फी है वो एक्सेप्ट की जाएगी केवल ऑनलाइन मोड से उसके बाद आता है आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देखिए जो लिस्ट दी हुई थी जिसमें वैकेंसीज थे उसमें पोस्ट की जो थी उसका पोस्ट का एक नंबर भी था तो सेवन टू सिक्स यानी कि जो थर्टीन थी वो लॉ से रिलेटेड पोस्ट थी उसकी जो पोस्ट नंबर था 13 था और जो लॉ से रिलेटेड थी जो एस एफ एस वाली थी उनकी सेवनटीन ट्वेंटी सेवन थी तो यहाँ पे दोनों हमारी लॉ वाली हो रही तो एलिजिबल जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की वो यही वाली होगी सॉरी <coughs> Uh, तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है टोटल 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर्स में मास्टर डिग्री में और नेट uh, आपका दिखा और इसके साथ साथ बिसाइड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट आपका क्लियर uh, होना चाहिए और uh, उसमें कहा है कि अगर आपको पीएचडी डिग्री अगर आपने आपको अवार्ड है अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं तो आपको कुछ uh, मतलब एग्जामेशन मिल सकती है वो भी अगर जो आपकी पीएचडी है 2009 के जो भी रूल्स गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग है उसके according है, बाद रिलैक्सेशन 5 परसेंट रिलैक्सन मिलेगा आपको आ, वो जो आपकी 55 फाइव परसेंट जो दिखी बताई हुई है मास्टर्स में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राई फिजिकल एंड विजुअली डिफरेंट एबल्ड वो भी आपके जो है हरियाणा वालों के लिए ही होगा ये द एलिजिबिलिटी ऑफ फिफ्टी फाइव मार्क्स और ग्रेड इन अपॉइंट सेल ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड जो भी है इसमें उसका रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है जो आपके एस सी एस टी डिफरेंट एबल फिजिकली और विजुअली डिफरेंट एबल कैटेगरी के हैं उसके बाद आपका फाइव परसेंट रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा किसमें uh, से जो फिफ्टी फाइव और फिफ्टी के जो भी एलिजिबल उन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया आपका अगर पी अगर की हुई है तो फाइव परसेंट की छूट मिलेगी रिलैक्सेशन मिलेगा उनको और नाइनटीन क्या होना चाहिए हु मास्टर डिग्री प्रेयर टू 19 सितंबर 1991 से पहले जिसने ही अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है उसके बाद अगर हम देखें अब उसके बाद आपने पर ये देख रहे होंगे कि जिन्होंने पीएचडी की हुई है इलेवेंथ जुलाई टू थाउजेंड नाइन से पहले जिनकी पीएचडी है उन्हें नेट और सेट से क्या किया गया है एग्जाम किया गया है सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या क्या कंडीशन है कि रेगुलर मोड में की हुई होनी चाहिए उन्होंने पी ठीक है और जो एवल्यूशन है पीएचडी थीसिस का वो एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू हुआ होना चाहिए ओपन पीएचडी वाइवा वाइस ऑफ कैंडिडेट हैव बीन कंडक्टेड कैंडिडेट हैव टू रिसर्च पेपर एटलीस्ट वन मस्ट इन रेफर्ड जर्नल जर्नल में रेफर्ड होना चाहिए कम से कम एक और दो रिसर्च पेपर उसके होने चाहिए और वहीं पर गुड एकेडमिक्स ये आपका गुड एकेडमिक्स होना चाहिए तो ये था हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट थी उसका नोटिफिकेशन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो प्लीज फॉर्म फिल करें बेस्ट ऑफ लक टू ऑल और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक केयर बाय बाय